गाइस, अगर आप चाहते हैं मेरा वीडियो सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद फैजान अहमद। आज का टॉपिक है जावा वेरिएबल्स। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज पहले पढ़ी है तो आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होगा। क्या होते हैं वेरिएबल्स? सपोज ये एक मेमोरी ब्लॉक है और इस मेमोरी ब्लॉक में पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को जो हम नेम असाइन करेंगे, उस नेम को हम वेरिएबल बोलते हैं। और ये मेमोरी लोकेशन किस काम में आएंगी? डेटा को स्टोर करने के। तो नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डेटा इज कॉल्ड वेरिएबल। तो वेरिएबल क्लियर हो गए। वेरिएबल को आप बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज भी बोल सकते हो। तो अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे? डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, देन सेमी कॉलन। डेटा टाइप पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, उस वीडियो को देख लेना तो आपको डेटा टाइप समझ आ जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिक्लेरेशन के बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज करना रहता है। इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं? वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू देन सेमी कॉलन, यानी कि पहले हमें डिक्लेयर करना है वेरिएबल को, देन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इनिशियलाइज करना है। अगर हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सिंगल स्टेप में करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू देन सेमी कॉलन। तो ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही स्टेप में हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए वेरिएबल के टाइप्स देखते हैं। जावा में वेरिएबल थ्री टाइप्स के होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। तो सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं, लेकिन मेथड, ब्लॉक या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर नहीं होते। इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आपको इंस्टेंस वेरिएबल और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक क्लास है एम्प्लॉय नाम की, कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, इंट आईडी इक्वल टू 103 सेमी कॉलन। अब देखिए, क्लास के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इनिशलाइज किया है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? इंस्टेंस वेरिएबल का। इंट डेटा टाइप है, आईडी वेरिएबल नेम है और 103 वैल्यू है जो आईडी यानी कि वेरिएबल को असाइन की है। नाउ मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया। अब क्या करना है? हमें इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, यानी कि हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो क्लास नेम जो एम्प्लॉय है, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना समझ आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन ओबीजे डॉट आईडी। ये क्या किया है? ऑब्जेक्ट के थ्रू आईडी यानी कि वेरिएबल को एक्सेस किया है। नाउ कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए, वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट के थ्रू वेरिएबल को एक्सेस किया है। तो जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 103। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर डिक्लेयर होते हैं और इनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ये डायरेक्टली एक्सेस होते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास एम्प्लॉय, कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, देन इंट आईडी इक्वल टू 103 सेमी कॉलन। लोकल वेरिएबल क्लास में डिक्लेयर नहीं होते, मेथड में डिक्लेयर होते हैं, इसलिए हमने मेन मेथड में वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, जैसे कि हमें पता है लोकल वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस होते हैं, इसलिए हमने आईडी को डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आउटपुट आएगा 103। तो लोकल वेरिएबल समझ आ गए। अब चलिए स्टैटिक वेरिएबल देखते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। स्टैटिक वेरिएबल के डिक्लेरेशन में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को सिर्फ एक बार मेमोरी अलॉट होती है। स्टैटिक वेरिएबल भी डायरेक्टली एक्सेस होते हैं, जैसे कि लोकल वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस होते हैं, सेम उसी तरह। एक एग्जांपल देखते हैं। क्लास एम्प्लॉय, कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, देन स्टैटिक
int id सेमीकॉलन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया id नाम का जो स्टैटिक है, यानी कि डिक्लेरेशन में स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया। देन पब्लिक स्टैटिक void main string argument curly brace स्टार्ट किया। नाउ अब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, तो id इक्वल टू 103 सेमीकॉलन, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन id सेमीकॉलन। क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस होते हैं, इसलिए हमने id को डायरेक्टली प्रिंट करा दिया। देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, तो इस प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो आउटपुट आएगा 103। तो स्टैटिक वेरिएबल समझ आ गए। तो अब प्रोग्राम्स को IDE पे रन करके देखते हैं। तो ये एग्जांपल है इंस्टेंस वेरिएबल का, क्लास नेम है एम्प्लॉई, इस क्लास के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और साथ ही साथ इनिशियलाइज किया है। वेरिएबल नेम है आईडी, डेटा टाइप है इंट, वैल्यू असाइन की है 103। देन मेन मेथड में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ओबीजे, और इस ओबीजे का यूज करके आईडी यानी कि वेरिएबल को एक्सेस किया है। क्लियर? तो अब चलिए आउटपुट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं आउटपुट आया है वैल्यू इज 103। इट मींस जो वैल्यू हमने वेरिएबल को असाइन की थी वही आउटपुट वैल्यू है। तो ये थे इंस्टेंस वेरिएबल। अब चलिए लोकल वेरिएबल देखते हैं। तो ये एग्जांपल है लोकल वेरिएबल का। जैसे कि आपको पता है लोकल वेरिएबल में वेरिएबल को मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ भी हमने वेरिएबल को मेन मेथड में डिक्लेयर किया है int id इक्वल टू 103 सेमीकॉलन। वेरिएबल नेम है id, डेटा टाइप है int और वैल्यू असाइन की है 103। देन सिंपली id को प्रिंट कर दिया है। क्लियर? तो अब चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आया है वैल्यू इज 103। जो वैल्यू हमने वेरिएबल को असाइन की थी वही आउटपुट वैल्यू है। तो ये था लोकल वेरिएबल का एग्जांपल। अब चलिए स्टैटिक वेरिएबल को देखते हैं। तो ये एग्जांपल है स्टैटिक वेरिएबल का। जैसे कि आपको पता है स्टैटिक वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं, लेकिन इनके डिक्लेरेशन में स्टैटिक कीवर्ड का यूज होता है। तो क्लास एम्प्लॉय है, इसके अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है लेकिन स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है, स्टैटिक इंट आईडी इक्वल टू 103 सेमीकॉलन। वेरिएबल नेम है आईडी, डेटा टाइप है इंट और वैल्यू असाइन की है 103। क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल का एग्जांपल है इसलिए डिक्लेरेशन में स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है। देन सिंपली आईडी को प्रिंट कर दिया है। क्लियर? तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आया है वैल्यू इज 103। इट मींस जो वैल्यू हमने वेरिएबल को असाइन की थी वही आउटपुट वैल्यू है। तो ये एग्जांपल था स्टैटिक वेरिएबल का। एक बात ध्यान रखिएगा, स्टैटिक वेरिएबल में वेरिएबल डिक्लेरेशन में स्टैटिक कीवर्ड को लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन में स्टैटिक कीवर्ड को नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम में एरर जनरेट होगा। सपोज मैं इस स्टैटिक कीवर्ड को डिलीट कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, इसमें एरर जनरेट हो गया। तो इसका मतलब ये है स्टैटिक वेरिएबल में अगर डिक्लेरेशन में स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ नहीं किया तो स्टैटिक वेरिएबल किसी काम के नहीं। सो गाइज, ये थे जावा वेरिएबल्स और उसके टाइप्स। होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।